हरियाणा के फरीदाबाद में 16 वर्षीय बेटी ने ही अपनी मां को मौत के घाट उतारा है। नाबालिग लड़की अपनी प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी। पुलिस का दावा है कि प्रेम प्रसंग के चलते नाराज बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी मां की हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने रात को नींबू के पानी में माँ को नींद की गोलियां दे दी। इसके बाद प्रेमी ने उसे वीडियो कॉल कर हत्या करने का तरीका बताया। बता दें कि बीती रात वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने इस ब्लाइंडर मर्डर केस की जांच के लिए दिशा निर्देश डीएलएफ क्राइम ब्रांच की टीम को दिए थे। मामले में दो लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक लड़के के कहे अनुसार लड़की ने नींबू पानी में नींद की गोलियाँ डालकर अपनी माँ को पिला दी। इसके बाद रात को करीब 12:30 बजे आरोपी दीपांशु से वीडियो कॉल की और साजिश के अनुसार दीपांशु ने पहले तकिए से मुंह दबाने के लिए बोला, फिर चुन्नी से गला दबाने के लिए कहा। दीपांशु के कहे अनुसार पहले तकिए से और फिर चुन्नी से गला दबाकर लड़की ने अपनी मां सुधा की हत्या कर दी। क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने दोनों आरोपियों को बीते दिन अदालत में पेश किया, जहाँ से अदालत ने आरोपी दीपांशु को जेल भेज दिया और नाबालिग आरोपी लड़की को करनाल नाबालिग जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।